ये प्रोग्राम पंजाबी मसाला रेस्टोरेंट ओसलो, लोहरी डेरा रेस्टोरेंट गुरुलान और बंधन सवीर के तामन से पेश किया जा रहा है। पंजाबी मसाला सच कहते ने पंज दरिया का सूबा पंजाब है। इसे तरह देसी मसाले मिल के बनाते ने पंजाबी मसाले दे खाने। जेड़ा इनू खांदा ओ बार बार आंदा पंजाबी मसाले दी खुशबू अपने वतन दी खुशबू। पंजाबी मसाला अपना पंजाबी मसाला रेस्टोरेंट रूसन होफ गाता ई उसलो। लाहौरी डेरा तंदूरी, जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या उन्हें कुछ नहीं वेख्या। हम कहते हैं जिन्हें लाहौरी डेरा से नहीं खाया उसने कुछ नहीं खाया। लिले पाकिस्तान ग्रैंडलैंड में लाहौरी देसी खानों के जायके की महक लिए हुए आपका अपना लाहौरी डेरा तंदूरी। तशरीफ लाइए, आप हमारे देसी खानों के जायकों से लुत्फंदोज होंगे। फोन नंबर 2267-1515। लाहौर शरीर संके अब दूर जाने की जरूरत नहीं। कहीं गाता नूर भी गाता दाखिल हूँ तो बंधन शरीर की खुशबू आपको अपने प्यार और चाहत के बंधन में परो लेगी। क्यों ना हो, बंधन की मिठाइयाँ और केक्स अपने मिसाल आप हैं। शादी हो या कोई खुशी और मजहबी तकरीब, बंधन स्वीट्स और केक्स आपकी तकरीब को दुबला कर देंगे। तशरीफ लाइए बंधन स्वीट्स एंड केक्स। थोइन गाता ओसलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात और मुकर्ररीन ने जो उमदा गुफ्तगू जो लड़की है, नॉर्वे फैमिली नेटवर्क और विजन फोरम नॉर्वे के सारे जो अहंकार हैं, सलाम अलैकुम। आज की ये तकरीब, जैसे इन्होंने बताया है कि मुझे एक और जगह भी जाना है, लेकिन मैंने बहुत ज़रूरी समझा कि आज यहाँ पे आऊँ, आपको के साथ बैठूँ, ये बातें सुनूँ, क्योंकि ये वाकई एक ऐसा सब्जेक्ट है और एक ऐसी बात है जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर रही है और हमारे घरों में हमारे बच्चों पे इसका बहुत असर हो रहा है। तो इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है एक महज़ब कौम के हवाले से, वालदैन के हवाले से और ख़ास तौर पे यहाँ पे नॉर्वे में जो पाकिस्तानी मुकीम हैं, जो कम्यूनिटी है, उनकी एक जिम्मेवारी बनती है कि इस इशू को, एक्सट्रीमिज़म, रेडिकलिज्म, इस्लामोफोबिया, इसको एक ओपन डिबेट में जिस तरह आज हो रहा है इसको डिस्कस किया जाए। मैं सिर्फ ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगी, दो तीन चीज़ें मैं आपके गोश गुजार करना चाहती हूँ जो कि मैंने बहुत गौर से ये चारों पांचों बहन भाइयों को सुना, जिन्होंने बड़ी अच्छी बातें की लेकिन उन्होंने इस चीज़ पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। पहली बात तो ये है कि जो भी इस वक्त इस्लाम के नाम हो रहा है वो हम सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये रिलीजियस नहीं है, ये पॉलिटिकल है। ये सियासी एक माहौल कायम हुआ है दुनिया में और ये अरसा दराज से होता है। अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो जो क्रूसेड्स हुई थी वो भी रिलीजियस वॉर्स नहीं थी, देवर ऑल्सो पोलिटिकल चेंज, लेकिन रिलीजन को यूज़ किया जाता है क्योंकि रिलीजन के जब आप नाम लेते हैं तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं और जो है ना वो जज्बाती हो जाती है। तो इट्स अ वेरी गुड टूल टू यूज़ कि आप जो है ना अपना पॉलिटिकल मोटिव आगे ले आए। तो ये भी सारा एक पॉलिटिकल गेम खेली जा रही है जो कि जैसे आपने बताया अफगानिस्तान से शुरू हुई, उससे पहले मिडिल ईस्ट पे फ़लस्तीन के मसले से शुरू हुई एंड सो ऑन। लेकिन हमें इस वक्त इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए, इस वक्त हमें फोकस करना चाहिए। हम नॉर्वे में रह रहे हैं, यहाँ पर हमारी कम्यूनिटी है,
और ये कम्युनिटी बहुत अच्छी है इन द सेंस कि इंटीग्रेटेड बहुत है। यहाँ पे जो हमारे डॉक्टर मुबशिर साहब जिसमें बता रहे थे, इस तरह के और भी बहुत सारे सियासतदान ही हैं जो नॉर्वे में नॉर्वेजियन मेन स्ट्रीम और नॉर्वेजियन पाकिस्तानियों के साथ काम कर रहे हैं और अपना अपनी आवाज़ भी बुलंद कर रहे हैं। एक चीज़ मैंने नोट की है इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ में, जो मैं पूरी दुनिया में फिरी हूँ, कि एक जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं एब्डिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी अपनी जिम्मेवारी से दस्तबरदार हो जाना और कहना कि जी ये तो हमारे या तो मज़हब में कोई ख़राबी निकालते हैं या हमारे सियासी हलकों में कोई ख़राबी निकालते हैं या किसी चीज़ में या अपनी अपनी ट्रेडिशंस में निकालते हैं कि जी हमारे ये तौर तरीके बहुत धक्के मुसी हैं, किसी न किसी चीज़ पे जो है ना वो निकाल के ना कोई तनकीद करके तो ख़ुद जो है ना उसका सामना नहीं करते, ख़ुद उसको एड्रेस नहीं करते। अब मैं कई दफ़ा यहाँ पे जब मैं मिली हूँ पाकिस्तानियों से, उन्होंने कहा जी हमारे बच्चे तो अब यहाँ पे नॉर्वे में हैं, वो तो नॉर्वेजियन हो रहे हैं, आइडेंटिटी का क्राइसिस फेस कर रहे हैं, तो वो तो मुसलमान, हम उनको मुसलमान करना चाहते हैं। अब वो मुसलमान करने के चक्रों में उन पर इतनी ज़्यादा वो पाबंदियाँ और वो गलत किस्म का जो है ना उनको तरबियत दी जाती है कि वो बच्चे जो है ना उनको समझ नहीं आती कि हम किस तरफ को जाएँ, हम नॉर्वेजियंस हैं, हम पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, हम क्रिश्चियंस हैं, हम क्या हैं। इसमें जो है ना पेरेंट्स का बहुत ज़रूरी एक रोल है और वो आपने जिक्र भी किया रायना ने कि पेरेंट्स का हमारे घर में जो माहौल है वो बहुत ज़रूरी है, वहाँ से आप शुरू करें। आप एक छोटी कम्युनिटी हैं, 30-40,000 है, आप ये कर सकते हैं कि आप जो है ना फोकस करें इंटरनली कि आपके अंदर जो है ना क्या क्या वीकनेसेस हैं, कहाँ कौन सी चीज़ है जिसको आपको एड्रेस करना है। रिलीजन है, जैसे एक ने कहा हिजाब के बारे में बात की, इज इट हिजाब, हिजाब का क्या मतलब है, हिजाब का मतलब तो कुछ भी नहीं है, यू नो इट्स योर चॉइस, आप हिजाब पहने ना पहने, लेकिन उसका मकसद क्या है वो समझाएं कि हिजाब के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। आप हर कोई ऐसे हिजाब नहीं पहन सकता, अगर आपने वाकई सही तरीके से इस्लाम को करना है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, वो आपने अपने बच्चों में डालना है और फिर आगे वही बच्चे जो है ना आपके इस कम्युनिटी का जब हिस्सा बनेंगे बड़े होंगे वो उनको समझ आएगी कि जी जो कुछ हो रहा है सियासी तौर पर जिसमें दाइश भी आता है, जिसमें तालिबान भी आते हैं, जिसमें सारे बाकी हैं, वो एक सियासी नज़रिया है, ये रिलीजन के साथ इसका ताल्लुक नहीं है। दूसरी चीज़, एक यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है कल परसों, उसका जिक्र नहीं हुआ, वो मैं चाहूँगी कि आप क्वेश्चन आंसर सेशन में उसको डिस्कस करें कि एक नया मिनिस्टर यहाँ पर बना दिया गया है, बना दी गई है इमिग्रेशन के लिए ख़ास तौर पर। पहले आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ये काम तो देखती थी, अब यहाँ पे चूंकि इमिग्रेशन का और रेफ्यूजीज़ का असाइलम का मसला इतना बड़ा हो गया है कि दे आर डिसाइडेड टू हैव अ सेपरेट मिनिस्टर। अच्छा, वो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो मिनिस्टर बनी है वो प्रोग्रेस पार्टी की बनी है जो कि राइट विंग पार्टी है। अच्छा, ये राइट विंग की एक लहर अब दौड़ी है पूरी यूरोप में, आपने फ्रांस में भी देखा अभी इलेक्शन में जिन्होंने राइट विंग बने हैं। इन चीज़ों पे आपको फोकस करना चाहिए एज दी नॉर्वेजियन पाकिस्तानी कम्युनिटी। पाकिस्तान में तो जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है, पाकिस्तान में सिविल सोसाइटी बहुत एक्टिव है, जुडिशरी एक्टिव है, वो कर रहे हैं, लेकिन इधर जो है ना यहाँ पे इन चीज़ों को आपने इस पे गौर करना है कि अगर एक अलहदा मिनिस्टर बनी है इसका मतलब है कि इस गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस है इस इशू पर, इस्लामोफोबिया पे फोकस है, रेफ्यूजीज पे फोकस है, इमिग्रेशन पे फोकस है। इसमें आप क्या इनपुट दे सकते हैं यहाँ की गवर्नमेंट को ताकि जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, सिर्फ हमारी नहीं बट सारी इमिग्रेंट कम्युनिटीज जो है ना सेफ फील करें, ये इस पे आपको जो है ना एक डिबेट करना चाहिए, इस पे आपको डिस्कशंस करनी चाहिए और फिर नॉर्वेजियन जो लोग हैं उनको बुला के उनके साथ जो है ना आपका एक डायलॉग होना चाहिए कि जी इमिग्रेंट कम्युनिटी नॉर्वे में उनको क्या चैलेंजेस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। एक और चीज़ जो आप लोगों को भी पॉइंट आउट करनी चाहिए कि रबीउल अव्वल का महीना है, इत्तेफाक है कि इस साल ईद मिलादुन नबी और क्रिसमस साथ साथ आए। अब ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, इसको आप लें और आप बताएं कि क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में कितनी चीज़ें जो है ना वो है कॉमन है। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग के डिफरेंसेस पे आप कॉमनैलिटीज़ पे लाएं, जो आ हजूर ने बातें की हैं, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बातें की हैं, उन बातों को आप निकालें और उसमें आप देखें कि हमांगी कितनी ज़्यादा है। उस चीज़ को आप प्रमोट करें थ्रू द मीडिया, थ्रू योर पॉलिटिकल डायलॉग, थ्रू योर ऑफिस, जहाँ जहाँ आप काम करते हैं, और आप सेलिब्रेट करें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की भी बर्थ को सेलिब्रेट करें और साथ में रसूलुल्लाह की भी सेलिब्रेट करें और अपने ऑफिस। हम यहाँ पे एक 16 एम्बेसडर्स हैं OIC मेंबर स्टेट्स के, तो हमने तो ये फैसला किया है कि एक इंटरफेथ हमने कॉन्फ्रेंस करनी है और मैं चाहूँगी
मैं अपनी कम्युनिटी से भी, हर कोई वो अपनी कम्युनिटी, ज़्यादा तो पाकिस्तानी कम्युनिटी है यहाँ पर मुसलमान, लेकिन वो अपनी कम्युनिटी से भी इराकी और ईरानी और सोमाली और दूसरों से भी वो कर रहे हैं कि एक इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस हो जिसमें सारे मज़ाहब के लोग बैठे और हम प्रॉपर स्कॉलर्स को बुलाएं। मुझे इतनी इलम नहीं है इस्लाम का, मेरे ख्याल में यहाँ पर भी कोई इतने ज़्यादा जो ना इस्लाम के स्कॉलर्स नहीं हैं, आप प्रॉपर स्कॉलर्स को बुलाएं ताकि एक डिबेट हो। इसी तरह क्रिश्चियन बिशप्स को और पादरियों को बुलाएं, ज्यूइश रैबाइज को बुलाएं, बुद्धिस्ट मंक्स को बुलाएं, हिंदूज को बुलाएं, सिखों को बुलाएं और बैठ के सारा एक पैनल डिस्कशन हो और उस पर दिखाएं कि जी रिलीजन जो है ना वो तो लोगों को जोड़ता है, अलहदा नहीं करता। ये जो अलहदा करने का चक्कर है, ये एक सियासी उसको रंग दिया जा रहा है और इसको हमें, इसको हमने चैलेंज करना है। हमने जो है ना अपने बच्चों को भी दिखाना है, अपने आप को भी हमने ये समझाना है और हमें समझना चाहिए कि दिस इज़ नॉट व्हाट द रिलीजन टीचेस। तो हम जो है ना एक अभी पहले दौर पे तो हमने एक मैसेज ऑफ गुडविल भेजा है OIC के जितने एम्बेसडर्स हैं, हमने मीडिया को दिया है, एक तो जर्नलिस्ट को हमने कॉन्टैक्ट किया है, वो नॉर्वेजियन पेपर्स में भी आएगा अगले हफ्ते, TV में भी आएगा कि हमने एक मैसेज ऑफ गुडविल दिया है ऑन द ओकेजन ऑफ रबीउल अव्वल एंड क्रिसमस। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि एक कम्युनिटी जो बाहर रह रही है, जो इमिग्रेंट कम्युनिटी बाहर रह रही है, वो ये काम कर सकती है। बाकी जो हमें तो पता है कि पाकिस्तान में क्या मसाइल हैं, इस्लामी उम्मा में क्या मसाइल हैं, तुर्की, इजिप्ट, फलस्तीन, वो सब सूरिया, हर एक को पता है कि वो क्या वहाँ पे हो रहा है। उधर की जो है ना हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं, हमें अपने घर में देखना है, यहाँ पे देखना है कि इधर हम जो है ना कहीं गलत रास्ते पे हमारे बच्चे और हमारे नौजवान न चल पाए। ये मेरा आपको पैगाम है।